हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की ओर से डॉक्टर संदीप सिंह आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको पाइल्स के बारे में बताऊँगा, यानी बवासीर। बवासीर मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, खूनी बवासीर और बादी बवासीर। खूनी बवासीर में मलत्याग के समय खून आता है, और ये जो खून आता है यह मल में लिपटा हुआ होता है या बूंद बूंद करके गिरता है। तो इसमें हमें ये देखना चाहिए कि ये पेचिस और बवासीर मंत्र कैसे करें। यदि पेचिस हुई है तो ब्लड जो है बड़ी तेज़ी से आएगा और धार के रूप में गिरेगा मलत्याग के समय, तो समझें कि वह पेचिस है, यानी अमीबियोसिस। परंतु यदि ब्लड बूंद बूंद करके गिर रहा है और मल में लिपटा हुआ गिर रहा है, तो समझें कि वह खूनी बवासीर है। और खूनी बवासीर में मरीज को मलत्याग के समय काफ़ी पीड़ा होती है, और साथ में मलत्याग भी उसको कष्टकारी होता है, आसानी से नहीं होता है। खूनी बवासीर में मरीज को कब्ज बनी रहती है। इस तरीके से अगर बादी बवासीर देखें तो बादी बवासीर में मरीज को मलत्याग के समय ब्लड तो नहीं आता है, लेकिन उसको कुछ मसे निकल आते हैं, और मलत्याग के समय काफ़ी पीड़ा होती है, और साथ ही इसको कब्ज भी बनी रहती है। हमने देखा कि दोनों ही प्रकार की बवासीर में मरीज को कब्ज बनी रहती है। तो कब्ज बवासीर का लक्षण ना होकर के इसका मूल कारण है। यदि कब्ज को समाप्त कर दिया जाए तो हमने दोनों ही प्रकार की बवासीर को ठीक होते हुए देखा है। दोनों ही प्रकार की बवासीर का मूल कारण कब्ज ही माना जाता है। तो कब्ज को की जो चिकित्सा मैंने बताई है, वही चिकित्सा यदि बवासीर में भी की जाए, चाहे खूनी बवासीर हो चाहे बादी बवासीर हो, तो बवासीर से हम पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। तो कब्ज का इलाज के लिए मैं पहले भी आपको अपने वीडियो में बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ कि कब्ज की चिंता हमें पाखाने में बैठकर नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने भोजनालय में बैठकर करनी चाहिए। यानी अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर के हम कब्ज की चिंता करें, ना कि पखाने में बैठकर। यानी अपने भोजन को अगर हम सही कर लें तो हम काफ़ी हद तक कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। तो भोजन को सही करना क्या है उसमें, कि भोजन में अधिक से अधिक मात्रा में खुज्जा वाली चीज़ें, यानी रफेज पदार्थ को अधिक से अधिक मात्रा में शामिल करें। रफेज जो है आपको सभी प्रकार की सब्जियों में जो रेशा होता है उससे आपको रफेज काफ़ी मात्रा में मिल जाता है, और अनाज के छिलकों में आपको रफेज मिल जाता है। अंकुरित अन्न से भी आपको रफेज की काफ़ी प्राप्ति होती है। रफेज जो है आंतों में झाड़ू का काम करता है। जिस प्रकार से हम झाड़ू से साफ घर को सफाई करते हैं, उसी प्रकार से जो रेशा पदार्थ है झाड़ू के समान हमारी आंतों की सफाई करता है। रेशा पदार्थ जो हम भोजन में करते हैं तो उसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू तो नहीं होती है, वह आंतों में एब्जॉर्ब नहीं होता है, ना ही उसका पाचन होता है। लेकिन खुज्जा पदार्थ जो है, यानी रेशा पदार्थ जो है, वह आंतों से मल की सफाई करने में हमारा बहुत ही सहायक होता है। वह रगड़ करके आंतों की अच्छे से सफाई करता है। तो भोजन में जब हम रेशा पदार्थ को शामिल करेंगे तो कब्ज से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसमें अधिक से अधिक अंकुरित अन्न, फल, सब्जियां और चोकर समेत अनाज को अगर हम भोजन में शामिल करें तो हम कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा पानी का अधिक से अधिक सेवन करें। भोजन के साथ कम से कम पानी पिएं, आध पाव से ज़्यादा पानी भोजन के साथ ना पिएं। भोजन के 1 घंटा पहले और 2 घंटे बाद बहुत पानी, यानी 3 से 4 लीटर, और गर्मियों में 5 लीटर तक भी पानी पी सकते हैं, तो कब्ज से आप छुटकारा पा सकते हैं। ये तो रहा भोजन। लेकिन जो खूनी बवासीर के मरीज होते हैं, इनके भोजन में यदि रेशे की मात्रा अधिक बढ़ा दें तो कई बार इनको खून बढ़ जाता है, इसलिए कुछ सौम्य भोजन को भी इनको रसाहार कराना ज़्यादा बेहतर पाया गया है। क्योंकि और या केला आदि जैसे फल इनको यदि भोजन में दिए जाएँ तो ज़्यादा लाभकारी पाया गया है। खूनी बवासीर में क्योंकि आंतों में घाव होता है तो रेशे के से उसके छिलने का भय बना रहता है, और रेशे के छिलने से
हाथों से ब्लड और ज़्यादा आने लगता है। तो ऐसे में केला दूध आदि को इसको शामिल करके हाथ सफाई करना, कब्ज का इलाज करना चाहिए। और रेशा एकदम से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, रेशा जब ठीक हो जाए तो उसके बाद रेशे का इस्तेमाल अधिक करना चाहिए। बादी व शहर में शुरू से ही हम रेशा दे सकते हैं भोजन में। तो दोनों ही प्रकार के बवासीर में हमने देखा कि भोजन किस प्रकार का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में हम क्या कर सकते हैं। दोनों ही प्रकार के बवासीर में हमें पेड़ों पर मिट्टी की पट्टी दे करके एनीमा देना चाहिए। यदि मरीज को गुदा स्थान में पीड़ा अधिक हो तो उस स्थान पर भी मिट्टी रखनी चाहिए, ठंडे पानी में सानी हुई मिट्टी को पीड़ा वाले स्थान पर रखने से लाभकारी होता है। अगर पीड़ा जिस समय हो रही हो उस समय गर्म पानी में मिट्टी सान करके यदि रखी जाए तो ज़्यादा लाभकारी होती है। लेकिन कब्ज तोड़ने के लिए, कब्ज को सही करने के लिए और इलाज के लिए ठंडे पानी में मिट्टी सान करके गुदा स्थान पर भी रखें और पेड़ों स्थान पर भी रखें। आधा घंटा मिट्टी की पट्टी रखने के बाद मरीज को गुनगुने पानी का एनीमा दिया जाना चाहिए। यदि यह एनीमा किसी प्राकृतिक चिकित्सा की प्राकृतिक चिकित्सक की सहायता से लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि वह उसमें कुछ आवश्यक हर्ब्स भी मिला सकें और उसका काढ़ा बना करके जब एनीमा दिया जाएगा तो और भी ज़्यादा लाभकारी साबित होता है। तो कब्ज की चिकित्सा के लिए हमने देखा कि एनीमा दिया जाए और मिट्टी की पट्टी दी जाए। इसके अलावा सुबह शाम खाली पेट कटी स्नान लेकर के टहलना भी बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। यदि सुबह शाम 10 मिनट कटी स्नान लेकर के, ठंडे पानी से कटी स्नान लेकर के यदि आधा घंटा से एक घंटा तेज़ी तेज़ी से टहला जाए तो कब्ज तोड़ने में बहुत ही लाभकारी साबित देखा गया और इससे धीरे धीरे चल करके आगे आंतें भी मजबूत होती हैं। कटी स्नान, ठंडा कटी स्नान सुबह शाम लें और दोपहर में गर्म ठंडा कटी स्नान लेना भी लाभकारी पाया गया है। गर्म ठंडा कटी स्नान लेने से आंतें मजबूत होती हैं और आंतें जब मजबूत होंगी तो लॉन्ग टर्म तक कब्ज आपकी सही हो जाती है। तो इससे आंतों की इलास्टिसिटी बढ़ती है। आंतों की इलास्टिसिटी बढ़ने से आंतों के अंदर पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट तेज हो जाता है। अगर पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट सही हो जाता होगा तो बवासीर ठीक हो जाता है, कब्ज ठीक हो जाता है, कब्ज ठीक होगा तो बवासीर भी ठीक हो जाता है। तो गर्म ठंडा कटी स्नान लेने का तरीका यह है कि दो प्रकार के कटी स्नान के टब रखे जाएं, एक टब में गर्म पानी रखा जाए और एक टब में ठंडा पानी रखा जाए। तो 3 मिनट गर्म में बैठें, फिर 1 मिनट ठंडे में बैठें, ये लगातार करना है। 3 मिनट गर्म में, फिर 1 मिनट ठंडे में, फिर 3 मिनट गर्म में, 1 मिनट ठंडे में, ऐसा 3 बार करें और चौथी बार 3 मिनट गर्म में और 3 ही मिनट ठंडे में करें। इस तरीके से यह कुल 18 मिनट का कटी स्नान होता है। तो गर्म ठंडा कटी स्नान लेने से लॉन्ग टर्म तक आपको कब्ज से छुटकारा मिलेगा। तो इसका जो मूल चिकित्सा हुई, जो हमने एनीमा की चिकित्सा बताई, ये एनीमा चिकित्सा जो है यह तो आपको टेम्परेरी रूप से आपकी कब्ज तोड़ेगा, लेकिन इसके बाद जब एनीमा जब आप काफ़ी से लेकर के हाथों को अच्छे से साफ कर लेंगे, जब आंतें पूरी तरीके से साफ़ हो जाएं, तो आंतों की जो स्वाभाविक क्रिया होती है जो सफाई करने की, वह कम हो जाती है। तो स्वाभाविक क्रिया भी आंतों की सही रहे इसके लिए हमें आंतें साफ़ हो जाने के बाद टॉनिक एनीमा देना चाहिए। टॉनिक एनीमा हफ्ता से 15 दिन तक अगर हम टॉनिक एनीमा देते हैं तो आंतों की जो स्वाभाविक गति है वो सही हो जाती है। जो आंतों में जो एनीमा देने की वजह से जो शीतलन आया वह दूर होता है और आंतें स्वस्थ हो जाते हैं। तो हमने देखा इसमें जो मूल चिकित्सा है, एक तो भोजन है, भोजन सुधार करें, मिट्टी की पट्टी लें, एनीमा लें और कटी स्नान लें। ये 3 प्रकार से चिकित्सा करके दी जाए तो बहुत ही लाभकारी होता है। इसके अलावा सूर्य किरण चिकित्सा भी इसमें की जा सकती है। सूर्य किरण चिकित्सा के लिए हरी बोतल में रखा हुआ पानी मरीज को काफ़ी लाभकारी होता है। यदि आंतों से ब्लड भी आ रहा है यानी खूनी बवासीर है तो हरी बोतल की बोतल के अंदर यदि नीली बोतल का पानी भी मिला दिया जाए तो काफ़ी लाभकारी होता है, तो ब्लड आना उससे रुक जाएगा। तो हरी बोतल का पानी इस तरीके से देंगे कि हरे रंग की बोतल में पानी रख लेंगे और
पानी की मात्रा उसमें लगभग 65 से 75% तक रहेगी, बाकी 25 से 35% बोतल खाली रहेगी। और ऐसी बोतल में पानी रख करके इसको लकड़ी के पटरे पर आपको धूप में रख देना है। लकड़ी के पटरे पर रखना ज़रूरी होता है, ऐसा पाया गया कि लकड़ी के पटरे पर ना रखने से उसका लाभ नहीं मिल पाता, तो लकड़ी के पटरे पर उसको रख दिया जाए। और उसके बाद इसको करीब 6 से 8 घंटा धूप में रखना चाहिए। 6 से 8 घंटा धूप में रखने के बाद इसे आप इसका सेवन करें तो इसको कब्ज तोड़ने के लिए काफ़ी लाभकारी पाया गया है, और बवासीर की चिकित्सा में भी काफ़ी लाभकारी पाया गया। इसके अलावा अगर यदि कोई स्किन डिजीज़ खुजली आती है तो उसमें भी ये लाभ करेगा। तो मैंने आपको आज बताया बवासीर की चिकित्सा कि इसको किस तरीके से किया जाए। पहले टेम्प्रेरी आप कैसे इसको स्वस्थ करें और उसके बाद परमानेंट कैसे इसको ठीक करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको बवासीर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा और आपको लगता है कि इसका लाभ और भी लोगों को मिले तो इसको ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें। धन्यवाद।